प्रेसिडेंट रेसी ने बात की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, और इस बातचीत में ईरान की तरफ से इंडिया से हेल्प मांगी गई है, दरखास्त की गई है कि इस क्राइसिस को एस्केलेट होने से रोका जाए और इंडिया अपनी तमाम कैपेबिलिटीज इस्तेमाल करे। आज ईरान फोन करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को और उन्हें कहता है कि इस जंग का अगर पैचअप और खात्मा कोई करवा सकता है तो मोदी जी आप हैं, तो आप इस जंग का फैसला करवा सकते हैं। अब मुझे बताइए, आपका OIC कहाँ गया? ये 52 मुल्क मुसलमानों के कहाँ गए? सॉरी 57 मुल्क मुसलमानों के कहाँ गए? राइसी साहब ये कह रहे हैं कि साहब रोको रोको रोको, इसराइल बहुत कूट रहा है गाजा में, मार मार के उसने दुम्बा बना दिया, सुअर बना दिया सारे वहां पे हमास वालों को, रोको रोको। मोदी जी कह रहे हैं कि आतंकवाद रोको आतंकवाद रोको। देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है कि दूसरे तो सारे ग्रुपिंग का हिस्सा है। तो जब अमेरिका की डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही वहां पे, तो किसी ऐसे किरदार की जरूरत है जो न्यूट्रल हो, जिसके जिसके खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा सेंटीमेंट ना हो। वो वेस्ट एशिया क्राइसिस के अंदर उन्होंने इसराइल, फलस्तीन, जॉर्डन, इजिप्ट, UAE, ईरान, इवन के सऊदी से भी बात की है, लेकिन पाकिस्तानी लीडरशिप जो है उनकी फलस्तीन के भी किसी लीडर से बात नहीं अभी तक हुई, बाकी भी मिडिल ईस्ट में किसी से कोई बात नहीं हुई। हम तो बड़ा आलम इस्लाम के चैंपियन और अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्लामिक बॉम्ब और पता नहीं क्या क्या हम कहा करते थे, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि द इंडियंस आर मोर क्लोजर विद द इस्लामिक वर्ल्ड एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। वेलकम बैक टू प्रा न्यूज। In a recent call, Iranian President Ebrahim Raisi urged Indian Prime Minister Narendra Modi to employ India's capabilities to end Israeli actions in Gaza. Both leaders discussed the need for a ceasefire, lifting the blockade, and providing aid to Gaza. They emphasized preventing escalation and promoting peace and stability in the region. The conversation also touched on bilateral cooperation and the role of the Chabahar port. It's worth noting that Prime Minister Modi has been in touch with several world leaders, including those from Israel, Jordan, Egypt, the UK, and the United Arab Emirates, UAE, to discuss the ongoing developments in West Asia. This proactive diplomatic engagement demonstrates India's commitment to promoting regional peace, security, and stability. In stark contrast, no Arab leaders have engaged with Pakistan on this issue, and the disparity in international engagement is becoming increasingly evident. As we delve into Pakistan's media reactions, it becomes apparent that a certain degree of jealousy and apprehension is surfacing as they witness India's growing influence on the global stage. India ke Prime Minister Narendra Modi sahab aur President of Iran Ibrahim Raisi ke beech usme Iran ki taraf se kaha gaya hai ki India apni tamam capabilities istemal kare is crisis ko escalate hone se roke. Aur iske alawa Chabahar port par bhi baat hui hai और इंडिया और ईरान की टाइज को स्ट्रेंथन करने की भी बात हुई है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस बात पर जोर दिया गया है वो ये है कि ये जो इस वक्त क्राइसिस इतना बड़ा बन चुका है, इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड पर जो है वो देखा जाए और इसी के साथ इसको एस्केलेट होने से प्रिवेंट किया जाए, और साथ ही जो इस वक्त ये सिचुएशन है, इस जंग को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि अगर इस जंग को रुकवाने में कोई कंट्री बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है तो इंडिया है। और सिर्फ यही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से इब्राहिम रईसी को कॉल की गई, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि पिछले चंद दिनों में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पूरी दुनिया के किन किन कंट्रीज के लीडर्स को कॉल की गई है, तो उसमें इसराइल शामिल है, जॉर्डन, इजिप्ट, UK, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, और जो वेस्ट एशिया का इस वक्त क्राइसिस है, इस पर बात हुई है कि कैसे इस क्राइसिस को रोका जा सकता है। इसकी वजह यह है कि जो इब्राहिम रईसी की तरफ से ये कहा गया कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकता है इंडिया इस वक्त इस जंग में एक अहम किरदार प्ले करने के लिए, तो साथ ही उन्होंने कहा कि जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट है इंडिया की, उसके बारे में सब जानते हैं। तो जब आप नॉन अलाइंड हो, यानी आपकी नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट के आपके तमाम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छी हो, रिलेशंस आपने सबसे बना के रखी हो, और साथ ही जो आपके बड़े गहरे दोस्त हैं उनको भी आप ये कह पाए कि ये जंग का वक्त नहीं है, तो किसी ऐसे ही कंट्री से फिर बात की जा सकती।
देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है कि दूसरे तो सारे ग्रुपिंग का हिस्सा है और जो करंट सूरत हाल है जिसमें टोनी बिल्किन साहब जो है उन्होंने मुसलसल टर्की और इजिप्ट और इराक के दौरे किए हैं इन इफेक्टिव, उससे कुछ भी नहीं हुआ है। और जो बिलखसूस मोदी साहब की इस मामले में ज्यादा इफेक्टिव इसलिए होगा कि जो कल की खबर चल रही है कि इसराइल में 1 लाख से ज्यादा भारतीय लोग जो है वो काम के सिलसिले में जाएंगे क्योंकि वहां पे शॉर्टेज हो रही है। और पहले भी आपको पता है 18,000 जो थे वो इंडियन थे इसराइल के अंदर, तो जो रिलेशनशिप अगर इस पे इसके तारीख पे जोर दिया जाए तो भारत और इसराइल के रिलेशनशिप जो है वो बड़े काफी अरसे से और बड़े क्लोज हैं। मेरे ख्याल में जो भारतीय डिप्लोमेसी है इट कैन प्ले अ वाइटर रोल इन दैट एरिया न्यूट्रल, क्योंकि इस वक्त जो मुसलमान दुनिया के अंदर अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा नफरत देखी जा रही है। ये फलस्तीन के काज की जो पाकिस्तान में जो है वो क्लैरिक्स बैठ के बढ़ के मारते हैं कि हम बड़े इसके चैंपियन है, फलस्तीन के काज को इनफैक्ट इंडिया ने चैंपियन किया है फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले जो है वो गैर जनबदार जो तहरीक थी नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से फलस्तीन को जो है वो अफ्रीका और एशिया के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं और जो मुल्क हैं उन तक लेके गए। उसके बाद जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है बिल्कुल क्लियर किस्म की फलस्तीन के हवाले से, जिसमें पीएलओ के साथ उनका जो ताल्लुक वास्ता था, जो उनकी आमदोरफ्त थी, फलस्तीनी स्टूडेंट जिस तरह जाके इंडिया में पढ़ते रहे और सारी हर महाज पे जो उनकी सपोर्ट होती रही वो सबके सामने है इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन। लेकिन इसके बावजूद इंडिया की डिप्लोमेसी की कामयाबी आप देखें कि इतना आगे जाने के बावजूद कि जब जो है वो यासर अराफात ये कहता था कि हिंदुस्तान मेरा दूसरा घर है, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो इसराइल के साथ जो है वो उस तरह की कोई नाराजगी या तसादम की शक्ल जो है वो इख्तियार नहीं की। और इसराइल को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये फलस्तीन पे हमारा मौकफ जो है एक उसूली मौकफ है, इसका मतलब आपसे दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया कि ये हमारा उसूली मौकफ हो या ना हो तुम हमारे दुश्मन हो, आप एल मुझे मार, ना लेना ना देना, ना बॉर्डर मुश्तरक, ना मजहब मुश्तरक, ना मैशिप, कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसको चैलेंज कर दिया कि हमारे दुनिया में दो दुश्मन है, एक इंडिया और दूसरा इसराइल। आज ईरान फोन करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को और उन्हें कहता है कि इस जंग का अगर पैचअप और खात्मा कोई करवा सकता है तो मोदी जी आप हैं, तो आप इस जंग का फैसला करवा सकते हैं। अब मुझे बताइए आपका ओआईसी कहां गया, ये 52 मुल्क मुसलमानों के कहां गए, सॉरी 57 मुल्क मुसलमानों के कहां गए। इंसानियत के लिए बेहतरी होनी चाहिए, जंग खत्म होनी चाहिए। तब पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ये कहते रहे नहीं नहीं जी दुनिया के तमाम इस्लामिक कंट्री इकट्ठे हो जाएंगे, अब जंग स्टार्ट हुई है, अब हम फतह ही करेंगे, ये करेंगे। अब ईरान को भी सीज फायर याद आ रहा है, अब दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्री भी यही कह रहे हैं जंग बंदी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में आज भी रैलियां निकल रही है, आज भी जो सा वो कहा जा रहा है हम जिहाद पे जाएंगे और ये चीजें, मतलब हम इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें पाकिस्तानियों को अपने पाकिस्तान को देखना है। देखिए आज भी हमारे कुछ फौजी शहीद हुए, पिछले दिनों में भी शहीद हो रहे हैं बलोचिस्तान में, जी हाँ। अभी हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को सीधा करना या और किसी कंट्री के साथ हमारे मामलात खराब हो रहे हैं उसे सीधा करना। हम कहते हैं जी हम जहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए ईरान, आज ईरान मोदी जी को कह रहा है आप जहाद की बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम ये कर देंगे। हम आज भी सर बहुत बड़े जलसे जुलूस हो रहे थे, कल भी हुए हैं, परसों भी, जुम्मे वाले दिन भी होते हैं। तो देखिए ईरान क्या बात कर रहा है, ईरान कह रहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो चाहे तो इस जंग को खत्म सिर्फ वो ही करवा सकते हैं। सुनिएगा, ये है कि उन्होंने ये बोला कि भाई आप अपना जोर पूरा जितनी भी पावर लगा सकते हैं जंग को रोकने के लिए आप लगाएं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया। इंडिया का पूरी दुनिया के साथ तल्लुकात बेहतर हैं। मैं एक न्यूज सुन रहा था, उस न्यूज में बताया गया कि जो फोन आया मोदी जी को उस फोन में ईरान के जो वजीर आजम या सदर हैं उन्होंने ये बात की है कि मोदी जी आपका मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, तो आप चाहें तो इस जंग को खत्म, मैं सर जो बात करना चाह रहा हूं उसे पकड़िए, आप चाहें तो इस जंग को खत्म कर सकते हैं। अब हम पाकिस्तानी
जो सारा दिन अपने टीवी पे अपने चैनल्स पे हर जगह पे दिखाते हैं कि इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है, उधर ये बताया जा रहा है कि इंडिया का मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। आप ये ईरान कह रहा है, और इसकी वर्डिंग पे गौर करें कि हम सारी जिंदगी क्या कहते रहे, और दूसरे ममालिक देखिए ना, सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ बेहतरीन तल्लुकात हैं, अवार्ड देते हैं इन्हें, इजिप्ट की कर लें, यूएई की कर लें, अफगानिस्तान की कर लें, इंडिया को अवार्ड देते हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं देता है वोट, क्योंकि हमारी लड़ाई चल रही है, हमारे झगड़े चल रहे हैं, हमारी बहस खत्म नहीं होती। देखिए मैं हमेशा कहता हूं, जैसे दुनिया में इतने मुल्क हैं मुसलमानों के और इंडिया के साथ उनकी दोस्ती है, कारोबार कर रहे हैं, उसे लेके चल रहे हैं साथ, ये सारा कुछ हमें जहाज से, हमें जंग से बाहर निकल के पैचअप की तरफ आना चाहिए। पीएम मोदी ऑल्सो एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर टेररिस्ट इंसिडेंट, सबसे पहले टेरर इंसिडेंट, फिर बोला कि वायलेंस जो हो रहा है वहां पे और लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ। देखिए लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ दोनों तरफ हुए, ठीक है, पर सबसे पहले किसने वार करा था? हमास ने वार करा था, 7 अक्टूबर को हमास ने वार करा था दोस्तों। करीब 1400 से ज्यादा इजरायली नॉन कॉम्बैटेंट्स या अनआर्म्ड लोग, अगर वो कॉम्बैटेंट्स भी हो तो अनआर्म्ड लोगों को उसने जान से मार दिया। इसके बारे में मोदी जी ने बात करी थी। अब जाहिर सी बात है, देखो यार ये जो ईरानियन लीडर है ना, इसने इंडियन गवर्नमेंट को बोला, मोदी जी को बोला कि आप मीडिएट करिए, आप बीच में बीच बचाव इनका करवाइए और रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट के लिए आप, मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाइए, बीच बचाव हो जाए, कहानी खत्म हो जाए, इसलिए करिए। और इंडियन नेशन की हिस्ट्री ऑफ फाइट अगेंस्ट वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म एंड इट्स पोजीशन एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड। फिर इन्होंने मोदी जी को पुराना, ये ईरानियन का वही विक्टिम कार्ड, इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करा पुराना कि आपको पता होना चाहिए कि भारत का बहुत पुराना इतिहास, हमारा इतिहास छोड़ दो, तुम अपने इतिहास की बात करो, तुम अपने इतिहास की बात करो, और हमारा इतिहास तो बहुत अच्छा है। तो मैं ईरानियन को बोलूंगा कि ये जो ईरानियन वाला मामला है ना, वहां पे पारसी रहते थे, ज़ोरास्ट्रियंस यूज्ड टू स्टे इन ईरान, ये आए, इन्होंने सबको भगा दिया, सबको मार दिया, मार के भगा दिया, पूरे मुल्क को इस्लामी कर दिया इन्होंने। ज़ोरास्ट्रियंस बेचारे, दे डिडंट हैव एनी प्लेस टू गो, मेनी ऑफ देम केम टू गुजरात एंड दे लिव इन महाराष्ट्र, गुजरात, सच प्लेसेस। अब यार एक बात बताओ यार, ईरान इज टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, यू ब्लड थर्स्टी पीपल, ईरानियन पीपल ब्लड थर्स्टी, एब्सोल्युटली। आपने सबको भड़का रखा है, सबको मार रखा है, फिर आप कह रहे हो कि भारत नॉन अलाइंड, नॉन अलाइंड क्या होता है, नॉन अलाइंड से क्या मतलब है? आप आतंकवाद बढ़ावा दोगे, आतंकवाद को आप लोगों को मारोगे, आप इनोसेंट लोगों का खून बहाओगे। ईरान खुद, ईरान बात कर रहा है लड़ाई रुको, शुरुआत ईरान ने करवाई है यार, शुरुआत ईरान ने कराई है। हिजबुल्ला को किसने खड़ा करा? हिजबुल्ला का फाउंडर कौन है? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है IRGC ईरान का, दैट इज द फाउंडर, दैट इज द बाप ऑफ हिजबुल्ला। हिजबुल्ला शिया मिलिशिया है, इन लोगों ने खड़ा करा है। कितनी उनके हथियार दिए जनरल कासिम सुलेमानी, जिसको अमेरिकन ने ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया था, कितने हथियार दिए, कितना क्या कुछ करा, वो इट्स ऑन पब्लिक रिकॉर्ड यार। अमेरिका ने मारा इसलिए था कासिम सुलेमानी को, वो कलेश मचा रहा था। जो ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है ना, उसका हेड था कासिम सुलेमानी, वो जा रहा था कॉन्वॉय में, मारा हेलफायर से मिसाइल, उसको भड़का दिया कासिम सुलेमानी को। तो दोस्तों ये स्टोरी रह चुकी है पहले यार, तो अब ये मोदी जी को स्टोरी सुना रहे हैं कि अब शांति होनी चाहिए, शांति। ओ भाई, हमास को तुमने हथियार दिए, तुम दुनिया भर में टेररिज्म स्प्रेड कर रहे हो, फिर तुम शांति की बात कर रहे हो? नहीं, कोई शांति, मोदी जी ने बिल्कुल ठीक बोला, मोदी जी चुपचाप बात करते रहे। मोदी जी ने बोला कि टेररिज्म है, टेररिज्म है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं तो यही कहता हूं कि अब इसराइल को कूटने दो, हमास को, ये साल भर और मार चलेगी, तब वो उनके ठंडक होगी यहां पे, देन वील टॉक अबाउट इट।